तो गाइस स्वागत है हमारे चैनल में। आज लेके आऊँ आपके लिए नया वीडियो। तो आज मैं बताने वाला हूँ गाइस आपको कहानी एंड्रयू की, जिसमें वो कैसे एक अच्छा पुलिसमैन बनता है। और देख सकते हो यहाँ पे, ये है एंड्रयू, जो कि एंड्रयू का करेक्टर निभा रहा है इस वीडियो में। तो कि सबसे पहले लाइक मार देना, सब्सक्राइब मार देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देना, ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं गाइस इस कहानी में। ये नेक्स्ट हैं, ये एक डॉक्टर हैं जो कि लेबोरेटरी में काम करते हैं। और नेक्स्ट करेक्टर बताता हूँ गाइस, तो गाइस ये एंड्रयू के बॉस हैं, जो कि पुलिस में बड़ी पोस्ट पे हैं। और जितने मैंने करेक्टर्स बताए गाइस, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी आईडी दे दूंगा, ताकि आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये एंड्रयू का घर है, एंड्रयू की गाड़ी है। और एंड्रयू को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला है कि कोई जो है लैब में कुछ केमिकल्स बना के वायरस फैला रहा है। तो चलिए गाइस चलते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कुछ, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं यहाँ पे लैब की ओर, और देखते हैं गाइस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो। एंड्रयू भी जा रहा है अपनी गाड़ी को लेके, अभी देख सकते हो रास्ते रास्ते से जा रहा है। तो देखिए गाइस लास्ट तक देखिए गाइस पूरी स्टोरी को। अभी देखते हैं गाइस लैब कहाँ पे है। अभी एंड्रयू अपनी गाड़ी में जा रहा है, तो थोड़ा साइड हो गया यहाँ पे। अब देख सकते हो सुनी सुनी है चारों तरफ, कोई भी नहीं है। तो मतलब एक खतरनाक वायरस का जो है इंतज़ाम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं गाइस, हमें जो है गाड़ी भी अपना पीछे लगाना पड़ेगा लैब से, ताकि पता ना चले किसी को कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। और आप देख सकते हो गाइस, एंड्रयू इसके पास अभी कुछ भी नहीं है गाइस, खाली हाथ जो एंड्रयू जा रहा है आगे लैब की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पार्किंग स्पॉट आ चुका है, एंड्रयू यहाँ पे अपनी गाड़ी जो है लगा देगा। तो चलिए चलते हैं, एंड्रयू जा रहा है आगे। और ये देख सकते हो बहुत ही बड़ी लैब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी लैब है। और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई लैब भी बना सकता है। तो देखते हैं गाइस अंदर हो क्या रहा है, अभी ढूंढना पड़ेगा इधर उधर। तो देखते हैं गाइस कहाँ पे, थोड़े नीचे बैठ के चलता हूँ, ताकि आवाज़ ना आए किसी को। चलिए चलते हैं आगे की ओर, यहाँ पे तो सुना सुना है चारों तरफ देख सकते हो। और देख सकते हो दो आदमी अंदर है, डॉक्टर लगता है गाइस, व्हाइट कोट वाला है। हाँ, और ये दूसरा कौन है आदमी, ओ इसके ऊपर इंजेक्शन लगाया गाइस, इंजेक्शन लगा दिया इसको और शूट कर दिया। ओ भाई एंड्रयू डर गया, एंड्रयू जा रहा है, एंड्रयू कहाँ जाएगा, एंड्रयू जल्दी। तो आप देख सकते हो एंड्रयू यहाँ से भाग रहा है, जल्दी भाग रहा है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पास गन नहीं है। तो अभी एंड्रयू कन्फ्यूज है, उनको उसको जाना कहाँ है। तो देखते हैं कहाँ जाता है एंड्रयू। हाँ, अपने बॉस के पास जाएगा गाइस एंड्रयू, अब अपने बॉस के पास, क्योंकि इसके पास गन वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये ऐसे शूट नहीं कर सकता, इसको परमिशन चाहिए अपने बॉस से। तो गाड़ी को घुमाते हैं जल्दी से, इधर से निकलना है बस, नहीं तो डॉक्टर एंड्रयू को भी मार सकते हैं, बिकॉज उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाया, पता नहीं किस चीज़ का इंजेक्शन था, और एकदम जो है यहाँ पर किसी को मार भी दिया, कॉमन सा कोई लोग था यहाँ पे। जल्दी से जाना पड़ेगा गाइस, कुछ रुकावटें नहीं आनी चाहिए हमारे रास्ते में। और ये गाड़ी कहाँ पे खड़ी कर दी है गाइस, यहाँ पे किसने की है। चलो चलते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, जल्दी से जल्दी पहुँचना है हमें बॉस के पास, नहीं तो जाने डॉक्टर और क्या क्या कर देगा। एंड्रयू जा रहा है जल्दी से, और यहाँ पे आगे शॉर्टकट मार दिया और फिर से। तो अभी बॉस के घर जाएंगे सीधे, देखते हैं बॉस क्या बोलता है, वैसे ही एंड्रयू करेगा। अच्छी स्पीड में गाड़ी जा रही है, और बॉस का घर आने ही वाला है यहाँ पे, सीधे जाएंगे बॉस के घर पे, और अच्छी स्पीड है गाड़ी की भी। चलिए हम पहुंच चुके हैं
अपने बॉस के घर के पास। गाड़ी को यहीं पे ही हम रोक देते हैं और एंड्रयू जा रहा है अपने बॉस के पास। चलो बॉस ऊपर होंगे। कहाँ है बॉस? बॉस, हाँ मैं यहाँ हूँ। हेलो बॉस, मैंने एक आदमी को देखा। किसको? हेलो हेलो, हाँ बॉस, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक डॉक्टर को देखा जो कि लैब में था और उसने किसी एक आदमी को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसने उसको गोली मार दी। क्या, गोली मार दी? हाँ बॉस, गोली मार दी, बट मेरे पास गन नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैं सीधे आपके पास आ गया। तो तुम सुनो, ऐसा करो, तुम किसी को मत बताना, नहीं तो यहाँ पे जो है लोग परेशान हो जाएंगे। मैं अपने आप उसे देख लूँगा, ठीक है? तुम परेशान मत होना, किसी और को बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है? अभी तुम जा सकते हो, मैं उसको देख लूँगा। ओके बॉस, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। ओके बाय बाय बॉस। चलो ठीक है, बाय बाय। चलिए अभी एंड्रयू जा रहा है यहाँ से। ओ मैं गिर गया, अरे एंड मुझे चोट आई क्या? थोड़ी चोट आई है, चले चलती हैं। गाड़ी में जा रहा है एंड्रयू, थोड़ी चोट आ चुकी है एंड्रयू को, तो चलिए चलते हैं सीधे गाड़ी को लेके। अपने घर के लिए जा रहा है एंड्रयू, देखते हैं आगे भी क्या करेंगे बॉस। बॉस के काम में मैं बिल्कुल भी दखल नहीं देने वाला और मैं सभी एडवाइस बॉस के मानना चाहता हूँ। तो अभी सीधे जा रहा हूँ मैं घर के, देखते हैं घर में क्या होता है। अरे अरे मेरा फ़ोन, अरे लगता है जहाँ पे मैं गिरा वहीं पे हूँ, वहीं पे वो फ़ोन भी गिर गया। चलो देख आते हैं बॉस के घर पे, बट मैं बॉस को क्या बोलूँगा? ओ शिट, कहाँ पे फंस गई गाड़ी? अरे बॉस को क्या बोलूँगा लेकिन मैं? चलो मैं पीछे गाड़ी रोक देता हूँ पार्किंग में, उसके बाद आराम से जाके फ़ोन को जल्दी से उठा के आ जाऊँगा। चलो आप देख सकते हो गाइस, एंड्रयू ने अपना प्लान बना दिया कैसे वो फ़ोन लेके आएगा। तो एंड्रयू ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड्रयू सीधे जा रहा है अपने बॉस के पास, सॉरी बॉस के घर के घर को जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंड्रयू का फ़ोन गुम हो गया है, वहाँ पे ढूंढने जाएगा एंड्रयू। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या मिल पाता है एंड्रयू को अपना फ़ोन। अरे ये कहाँ गया? हाँ मिल गया, मिल गया, देखते हैं। हाँ मिल गया, मुझे फ़ोन मिल गया। अरे ये आवाज़ कैसी इतनी जोर? ओ अंदर कौन है? अरे बॉस के साथ कौन? चलो चुप हो जाता हूँ, सुनता हूँ क्या बोल रहे हैं। हेलो सर, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ? अरे मेरे पास एंड्रयू आया था जो कि मेरा जूनियर है, और उसने मुझे बताया कि लैब में किसी ने एक आदमी को इंजेक्शन लगाया और उसे गोली मार दी। ओ ऐसा हुआ? हाँ ऐसा बताया उसने। तो सर अभी हम क्या करें उसका? अरे अभी क्या करना है, अभी उसको सब कुछ पता लग चुका है तो अभी उसको मारना पड़ेगा। और क्या, मार देंगे सर? हाँ मार देंगे, तुम टेंशन ना लो। ओके तो चलिए सर, बाद में मिलते हैं फिर। ओके ओके बाय। अरे तो मुझे मारने की बात कर रहे हैं, चलो भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से, अभी मुझे नहीं। तो गाइस इतनी थी इसकी स्टोरी, और पार्ट टू हम निकालने वाले हैं जल्दी। तो कैसी लगी आपको ये वाली स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और सेकंड पार्ट मैं जल्दी निकालूंगा, बस थोड़ा सपोर्ट कर देना यार। लाइक एम रहेगा 30+, ठीक है 30 लाइक दे देना यार, उसी के बाद पार्ट टू निकाल दूंगा। ज़्यादा बड़ा एम नहीं है क्योंकि हमारा छोटा चैनल है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया। लाइक कर देना वीडियो को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर देना। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए।